दोस्तों यूडी सीआरए में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे क्रोएशिया और बेल्जियम के बीच में खेले जाने वाला जो आपका ड्रीम इलेवन यूरोपियन क्रिकेट टूर्नामेंट है दोस्तों, T10 का टूर्नामेंट है। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में दोस्तों, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो बहुत सारे अपडेट्स आप मिस कर जाओगे। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग से एक बार जल्दी से दिखा देते दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन कर रहे ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक से एक बार दिखाते दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों आपके सामने है जो अभी 87 हमारे ग्रैंड लीग के रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड की उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन थे दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों, किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में भी दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे टीम है जो आपके सामने, कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक और मैच देखते ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद है दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो चलिए अभी मैच के बारे में बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर मैच की बात करें, उससे पहले मैं बता दूँ दोनों ही टीम के बीच में जो मैच होगा दोस्तों, ये एक आपको न्यूट्रल वेन्यू पर होते दिखेगा, मतलब किसी को ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं बैटिंग और बॉलिंग। आपको 110 का एवरेज स्कोर बनते हुए दिखेंगे इस ग्राउंड पे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना, तो आप किसी भी टीम को कम मत आंकना दोस्तों। ग्रैंड लीग की टीम बनाने से पहले आपको चार पांच चीज़ें दिमाग में रखना पड़ेगा जब एक ग्रैंड लीग की आप टीम बनाओ। वो क्या है, सबसे पहले जब आप ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे ना, आपको क्या सोचना है पता है,
सोचना है दोनों ही टीम इक्वली स्ट्रांग है, दोनों ही टीम इक्वली स्ट्रांग है, मतलब अगर किसी एक टीम ने अच्छा परफॉर्म कर दिया वन साइडेड गेम हो सकता है दोस्तों। तो आपको एक टीम बनाना है जो क्रोएशिया के फेवर में होगा वन साइडेड विन का, दूसरा टीम आपको बनाना है ऐसा बेल्जियम की टीम के फेवर में जो वन साइडेड होगा दोस्तों बेल्जियम की, तीसरा टीम आपको न्यूट्रल बनाना है, दोनों टीमों में आपको मिला के 5-6 या फिर 6-5 का कॉम्बिनेशन बना के रखना है। तीसरा ये हो गया तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा जो आपका कॉम्बिनेशन वो बनाना है ना वो क्या बनाना है दोस्तों, सॉरी चौथा नहीं पांचवा कॉम्बिनेशन आपको क्या बनाना है, पांचवा कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से बनाना है दोस्तों, जो प्लेयर्स को सबसे कम सिलेक्टेड है दोस्तों वो मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्लेयर जो अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ किए नहीं है दोस्तों, अभी तक इनका कुछ भी अपने टीम में विनिंग या लूजिंग में कुछ भी योगदान नहीं है, उन प्लेयर्स को आपको टीम में रखना है प्लस उनको सी और वीसी बना देना दोस्तों, उस सोच के साथ आपको एक टीम बनाना है। तो वो भी आपको बताएंगे कौन से प्लेयर्स हैं जो अभी तक कुछ नहीं किया इस टूर्नामेंट में पर आपको आज अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। अगर क्रोएशिया की पहले बात करते हैं दोस्तों तो क्रोएशिया का पिछला मैच एक बार देखा जाएगा, तो यहाँ से क्रोएशिया ये रहा दोस्तों, क्रोएशिया की बात करें जय न्यूटन ओपनिंग करेंगे आपके लामसा के साथ, फिर ठाकुर, फिर माहेश्वरी, फिर दाविडोविक दोस्तों। यहाँ से अपने टीम की बात करें ना जय न्यूटन अपने टीम में पक्का आएंगे, उसके बाद एक बॉलिंग में देखते हैं दोस्तों, बॉलिंग में ऐसे न्यूटन आपके दो ओवर बॉलिंग करें, ठाकुर आपके दो ओवर में दो विकेट, निकोला डियोंकोविच ने दो ओवर में एक विकेट, माहेश्वरी ने दो ओवर में एक विकेट, नासिम खान ने दो ओवर में एक विकेट। तो यहाँ से माहेश्वरी और निकोला डोंकिविच, निकोला डोंकिविच, नसीम खान, ऐसा जय ठाकुर अपने टीम में आएंगे दोस्तों। तो चार प्लेयर्स को अभी के लिए अपने टीम में रखा है, बाद में बताएंगे ना, बाकी सब कुछ आपको आगे बताया जाएगा दोस्तों, आपको पूरा वीडियो गौर से अच्छे से देखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप विनिंग कर पाओगे। बेल्जियम की टीम की बात करें, बेल्जियम की टीम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, अली राजा ओपनिंग कर रहे हैं आकाश राजा के साथ, ये देखिए ये जो प्लेयर अली राजा इस टूर्नामेंट में अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया, टीम का कैप्टन है दोस्तों, पर आज के गेम में ये आपको अच्छा स्कोर बनाते हुए दिख सकता है, तो आपको इनको सी और वीसी ज़रूर ट्राई कर लेना है आपको किसी भी एक टीम में दोस्तों। यहाँ से आपके फेजर खालिक खेलेंगे, भट्ट खेलेंगे, बिला बुरहान नजारी आपको खेलते देखेंगे, शब्बीर जाखिल, यह मजा है कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। अगर बॉलिंग के ऊपर हम नज़र डालें, बॉलिंग में यहाँ से आपके के अहमद जाय ने आपके दो ओवर किया, खालिद अहमद ही ने दो ओवर किया, बाकी सभी ने एक ही ओवर ही किया। अपने टीम में अली रजा, ट्रम्प कार्ड अपने टीम में आएंगे, यहाँ से बी नियाजी, जाखिल, यहाँ से वकास राजा, सलमान भट्ट, यहाँ से के अहमद जाय, ये जो प्लेयर है दोस्तों ये नाम आप दिमाग में रख लीजिए, रट लीजिए दोस्तों, इस प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग में सी और वी सी ज़रूर ट्राई करना है दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखना। तो बोथ पे चलेंगे, यहाँ से अगर बात करें अपने टीम में खालिक क्या कर रहे हैं दोस्तों, खालिक यहाँ से वन डाउन बैटिंग कर रहे, खालिक एक ओवर बॉलिंग भी कर रहे, खालिक को लिया जा सकता है दोस्तों, ऐसे के अहमद जाय अपनी टीम में आएंगे दोस्तों। तो ये बन चुकी है अपनी टीम कुछ इस तरह से, बाकी अगर इसमें में कुछ चेंजेस मुझे अगर करने पड़े वो आपको मैं टेलीग्राम पर ही बता पाऊँगा, तो टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़ जाए अगर अभी तक नहीं जुड़ा है। कैप्टनसी की बात करें, मेरे जो कैप्टन वो न्यूटन होंगे, वाइस कैप्टन मेरे नियाज़ी होंगे, मैं अपना वाइस कैप्टन चेंज करके इनको ना बना के एन दाविडोविक, दाविडोविक को अपना टीम का वाइस कैप्टन बना सकता हो दोस्तों, बाकी अगर इसमें मुझे कुछ चेंज करना पड़े दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट ज़रूर कर दूंगा दोस्तों, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जो मैंने ग्रैंड लीग की आपको टिप्स बताई उसी को दिमाग में रखते हुए आपको टीम बनाना है दोस्तों। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, मैंने पहले ही बोला लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।